और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं ये जी? नया बंदा अमीर तरीन हो गया। नमस्कार दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो गौतम अडानी हैं, अडानी ग्रुप के चेयरमैन, उनका वेल्थ कई गुना इंक्रीज हुआ है। स्पेशली उनके अगर आप कंपनीज के शेयर्स देखोगे तो मल्टी बैगर स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। मैं अभी आपको एनालाइज कराऊंगा इस पूरे वीडियो के अंदर। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि वो ऑलरेडी मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ चुके थे और काफी अच्छे मार्जिन से पीछे छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन यहां पर कल जो खबर आई है मंडे को, वो ये है कि गौतम अडानी टॉप 5, जी हाँ, वर्ल्ड के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन में से बन गए हैं। ये 5th नंबर पर आ चुके हैं और इन्होंने पीछे छोड़ दिया है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट आई एम श्योर आपको याद होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे, बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन हैं, काफी बड़े निवेशक हैं वॉरेन बफेट, उनको भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। यहां पर आप देख सकते हो गौतम अडानी ओवरटेक्स वॉरेन बफेट टू बिकम वर्ल्ड्स 5th रिचेस्ट पर्सन। तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है, काफी कुछ जानने को इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, जुडिशरी, बैंकिंग, कुछ भी हो, तो आप हमारे ऐप पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए, वहां पर अंकित 40 कोड इस्तेमाल करिए, क्योंकि इससे आपको डायरेक्टली जो 40% का डिस्काउंट है वो तो मिलेगा। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में मैं एमसीक्यूज डालता रहता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या। देखिए मंडे को ही जैसा मैंने बताया कि यहां पर खबर आई है। अब देखिए जो खबर आई है ना, वो फोर्ब्स लिस्ट का आया है। आपने ब्लूमबर्ग का भी लिस्ट सुना होगा, लेकिन यहां पर मैं फोर्ब्स की बात कर रहा हूं, रियल टाइम बिलियनर्स का जो लिस्ट जारी किया जाता है इनके द्वारा। उसमें उन्होंने कल बताया कि गौतम अडानी, जो कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ दिया और ये 5th रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं पूरे विश्व में। और इनका जो टोटल नेटवर्थ अगर आप देखोगे, इट इज $122 बिलियन। अभी मुझे याद है कुछ महीने पहले ही मैंने वीडियो बनाया था और जहां पर $100 बिलियन की बात कही थी। लेकिन आप सोच के देखिए, बहुत तेजी से इनका जो वेल्थ है वो इंक्रीज होता जा रहा है। उसका मेन कारण जो शेयर्स हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर आप देखिए, जो वॉरेन बफेट हैं, उनका अगर आप वेल्थ देखोगे तो इट इज $121 बिलियन के आसपास मिलेगा। सो नाउ अडानी इज नाउ ओनली बिहाइंड 4 पीपल इन द फोर्ब्स लिस्ट। यहां पर आप देखिए अगर अच्छे से, तो जो सबसे पहला नंबर है इनकी, तो बात ही क्या कहें, एलन मस्क, ये तो ट्विटर को ही खरीद लेते हैं, $269 बिलियन। मतलब कि इनके और दूसरे नंबर पर आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। तो टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक हैं जेफ बेजोस, जैसे कि आप देख सकते हो अमेजोन के मालिक हैं, $170 बिलियन। इसके अलावा बर्नार्ड अर्नोल्ड, इनका वेल्थ भी करीब इसी के आसपास है। बिल गेट्स जो है वो $130 बिलियन है, और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्द जो गौतम अडानी हैं वो बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ देंगे। अब देखिए एग्जैक्टली हुआ क्या ना यहां पर, कि एक तो ये होता है कि जब आप किसी को पीछे छोड़ रहे होते हो, तो यहां पर ये भी हुआ कि जो वॉरेन बफे हैं, उनका अगर आप शेयर्स देखोगे तो उनके यूएस के अंदर क्या हुआ है ना, पिछले कुछ दिनों में वहां का स्टॉक मार्केट गिरा है काफी, ठीक है, और उसके गिरने की वजह से यहां पर उनकी जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे वॉरेन बफेट की, वो यहां पर ड्रॉप हुई है। तो 2% जैसे ही कल ये ड्रॉप हुआ तो इनका वेल्थ यहां पर कम हो गया, और दूसरी तरफ क्योंकि अडानी के शेयर्स लगातार बढ़ रहे हैं तो उनका वेल्थ जो है ऊपर हो गया, और इसीलिए अडानी जो है वो टॉप 5 में आ चुके हैं। अगर हम अडानी और उनके कंपनीज के बारे में बात करें, तो जैसा कि आपको पता होगा, ही इज द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ अडानी ग्रुप, और मल्टीपल बिजनेसेस में ये एंगेज हैं, जैसे कि एडिबल ऑयल हो गया, पोर्ट्स हो गया, एयरपोर्ट हो गया, पावर जनरेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारी चीजों में आपको इनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। और करीब 7 लिस्टेड कंपनीज हैं, कहने का मतलब है कि वो कंपनीज जो कि शेयर मार्केट पर लिस्टेड होती हैं उसको लिस्टेड कंपनीज कहते हैं। तो 7 कंपनीज जैसे कि अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट, अडानी पावर, टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी या फिर अडानी ट्रांसमिशन, ठीक है, जिसमें लेटेस्ट बताया कि आपको याद होगा इसी साल एक आईपीओ आया था अडानी ग्रुप का, वो था अडानी विल्मर। इसके बारे में तो बहुत चर्चा हुई है, आजकल मैं जिससे मिलता हूं वो यही कहता है कि अडानी विल्मर का शेयर देखा कितना तेजी से गया है। तो अडानी विल्मर जो है अभी रिसेंटली इसकी लिस्टिंग जो है वो हुई थी। अब यहां पर अडानी, गौतम अडानी का अगर आप नेटवर्क देखो ना, तो पिछले कुछ हफ्तों में बहुत तेजी से सर्ज हुआ है, मतलब शार्प रैली देखने को मिली है, और इसकी वजह से ये तो सेंटी बिलेनियर का मतलब होता है कि जब आपकी वेल्थ $100 बिलियन से ज्यादा हो जाए, तो एक तो उन्होंने क्रॉस किया ही किया, लेकिन साथ साथ जो बाकी के लोग हैं उनको ये पीछे छोड़ते जा रहे हैं। यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो इनका जो 3 शेयर है अडानी ग्रुप का, वो मल्टी बैगर रिटर्न दिया है इस साल 2022 में। मल्टी बैगर का मतलब ये होता है कि आपका जो शेयर है उससे आपको 100% से ज्यादा यहां पर प्रॉफिट हो रहा है।
तो यहां पर 100% से ज्यादा अगर आपको रिटर्न मिलता है तो उसको मल्टी बैगर रिटर्न कहते हैं। तो यहां पर इसमें तीन कंपनी है, एक तो अडानी विल्मर, जैसा मैंने आपको बताया यहां पर आप देख सकते हो, ये अडानी विल्मर जो है इसी साल जनवरी फरवरी के महीने में ये लॉन्च हुआ था IPO, और आप देखिए जिस प्राइस पर ये लॉन्च हुआ था उसके बाद से आप देख सकते हो काफी तेजी से ये बढ़ता गया है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा यहां पर अडानी पावर 170% का रिटर्न देखने को मिला है। अडानी पावर इनफैक्ट इसके पहले लगातार जो है चर्चा हो रही थी टाटा पावर के बारे में, लेकिन जिस तरह से अडानी पावर यहां पर बढ़ता जा रहा है आप जस्ट देखिए, ये पिछले एक दो महीने की ही बात है। यहां पर ये मार्च के महीने में आप देखो अडानी का पावर का जो प्राइस है वो सिर्फ 100 रुपीज के आसपास चल रहा था, अब देखिए ये करीब 272 चला गया है। तो बहुत ही जल्द ये जो आपका टाटा पावर है उसको भी पीछे कर रहा है। फिर तीसरा जो मल्टी बैगर रिटर्न मिला है अडानी के शेयर में वो है अडानी ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी में भी करीब 110% का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप इसका पूरा लाइफ टाइम का देखोगे ग्रीन एनर्जी का, ये तो फिनोमिनल रहा है। मतलब कहां ये शेयर जो है वो 200-100 रुपए के आसपास हुआ करता था, और आप देखिए आज के डेट में 2800 रुपीज, दिस इज टू मच, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बाकी के भी जो कई सारे कंपनीज हैं उसमें 17-55% का रिटर्न जो है देखने को मिला है। इस साल की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ 2022 की अडानी, इनफैक्ट अडानी पावर जो है वो 6th फर्म बन गया है अडानी ग्रुप का जिसने 1,00,000 करोड़ का मार्केट वैल्यूएशन को क्रॉस किया है। मार्केट वैल्यूएशन मतलब कि वो कंपनी की वर्थ कितनी है, कैपिटलाइजेशन जिसकी हम बात करते हैं। तो अगर आप सोच के देखो इतने सारे कंपनीज का अगर शेयर लगातार बढ़ता जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें अडानी, गौतम अडानी का हिस्सा काफी ज्यादा है, तो ये शेयर के दाम बढ़ रहे हैं तो उनके वेल्थ भी बढ़ रहे हैं, और इसी की वजह से यहां पर जो है रिटर्न देखने को मिल रहा है और ये पीछे छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां पर ये भी है कि मुकेश अंबानी का क्या सिचुएशन है। देखो मुकेश अंबानी भी अच्छा कर रहे थे, खराब नहीं कर रहे थे, लेकिन यहां पर अडानी जो है वो और ज्यादा तेजी से बढ़ते गए। मुकेश अंबानी अगर आप देखोगे तो इस समय 8th पोजीशन पर हैं फोर्ब्स के लिस्ट के आधार पर, और इनका वेल्थ 104 बिलियन डॉलर है। मतलब गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के बीच में करीब 20 बिलियन डॉलर का अंतर आ चुका है लगभग। ब्लूमबर्ग बिलियनियर लिस्ट के आधार पर अभी भी अडानी 6th पोजीशन पर है 119 बिलियन डॉलर के आसपास। लेकिन ओवरऑल आप देखिए तो गौतम अडानी ने इस साल 2022 में अभी मतलब लगभग अभी 5 महीने हुए हैं, 5 महीने के अंदर इन्होंने 43 बिलियन डॉलर अपने वेल्थ में एडिशन कर लिया है, जो कि 56% राइज है यहां पर। तो एक तरह से मैं आपको कंपैरिजन बताऊं, मतलब विश्व भर में अगर आप देखो जिस प्रकार से एलॉन मस्क का वेल्थ राइज हुआ है बिकॉज ऑफ राइज इन टेस्ला शेयर्स, वैसा ही कुछ आपको भारत के अंदर यहां पर अडानी, गौतम अडानी के शेयर्स में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इनफैक्ट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, अभी पिछले हफ्ते की बात है, इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2022 हुआ था, वहां पर गौतम अडानी ने कहा कि 2050 तक भारत की जो GDP है वो 30 ट्रिलियन डॉलर की बन जाएगी, 30 ट्रिलियन डॉलर की बन जाएगी, और यहां पर किसी कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो भूख से बिस्तर पर जाए। इनफैक्ट ये उनका एग्जैक्ट वर्ड है कि अभी भी हम करीब 10,000 दिन पीछे हैं 2050 में, और 2050 तक हम करीब 25 ट्रिलियन डॉलर ऐड कर सकते हैं हमारे इकोनॉमी के अंदर, मतलब हर दिन करीब 2.5 बिलियन डॉलर की GDP हम ऐड कर सकते हैं। और ऐसा अगर होता है तो ओवर दिस पीरियड यहां पर हर एक प्रकार की जो पॉवर्टी है वो यहां पर भारत से खत्म हो जाएगी, ऐसा गौतम अडानी का एंटिसिपेशन है। तो जाहिर सी बात है यहां पर उनके लिए एक अच्छी खबर है, भारत के लिए अच्छी खबर है। इससे क्या होना चाहिए मेरे ख्याल से कि जो बाकी की भी कंपनीज हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको यह समझना है कि किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है ना, अल्टीमेटली जब कंपनीज का वेल्थ क्रिएशन होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी से अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, बाकी सारी चीजें हो सकेंगी, चाहे टाटा हो, रिलायंस हो, अडानी हो, ये सारी चीजें, इस तरह के और भी कंपनीज आनी चाहिए, मेरे कहने का मतलब है। तो एक माहौल क्रिएट होता है देश के अंदर और ज्यादा लोग एंटरप्रेन्योरशिप के पीछे आते हैं और इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कौन सा ऐसा देश है जिसके पास सेकेंड मोस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स है? मैं फर्स्ट की बात नहीं कर रहा हूं, सेकेंड कंट्री कौन सा है जिसके पास सबसे ज्यादा बिलियनियर्स आपको देखने को मिलते हैं, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको बताइए मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे, और जैसा मैंने बताया किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूज दिस कोड Ankit40। इसके अलावा आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। चरण जी क्या बात है, खत्म हो गई वीडियो और कमाल का अच्छा लगा। अभी इतनी स्पीड से अगर ग्रोथ रही ना, ग्रो कर रहा है ना उससे ज्यादा, ये तो देश की कमाई को शेयर कर दे रहे हैं बाकी इस कंट्री में, रिपेयर के अंदर ऐसे ना हो जाती इतनी इंडिया के अंदर भाई नहीं, जो इतना शेयर होल्डर वो इंडिया से मर जाता शेयर खरीदने कंपनी वो तो है, लेकिन अगर वो सारा पैसा इंडिया के जो बैंक है उसके अंदर रखे, अपने बैंक में नहीं रखते वो भाई, वो इन्वेस्ट करते हैं सारी दुनिया में,
मित्र खानदान है या अंबानी ने किया, ये तो सबसे ऊपर हो गया। पहले तुम अंबानी अंबानी कहते थे, नाम उसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा उसका नाम इंडिया में माना जाता है। और भाई जिस स्पीड से ये जा रहे हैं ना ऊपर, ये तो ये मैं कहता हूँ अगले साल में ये चौथे नंबर पे भी आ सकते हैं, इतनी ग्रोथ हो सकती है। अब जब इनका इतना नाम आ चुका है, खबरों में आ जाएगा, तो खास कर इनके शेयर की वैल्यू जो मजीद और ज्यादा तरक्की हो जाएगी। जिस कंपनी का ज्यादा शेयर की ताकत हो ना, वो ही ज्यादा परचेज करने की कोशिश करती है। अब लग रहा है कि भाई इंडिया जो है ना वो 2050 तक ना 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना सकता है, क्योंकि देखा जाए तो अंडानी जैसे दो बंदे हैं, तो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी जितनी जितनी जीडीपी है इनकी उतनी तो इनकी दोनों की। अच्छा वो पर डे के में 2.5 मिलियन ऐड कर रहे हैं जीडीपी के अंदर, एक दिन के अंदर बहुत ज्यादा तादाद है, बहुत ज्यादा। अगर जहाँ पर इतना ज्यादा पैसा हो इन्वॉल्व हो और लोगों का साथ दे, रोजगार मिलेगा, खुशहाली आएगी कंट्री का नाम। वो सर बोल रहे हैं आने वाले कुछ सालों में बैगर्स खत्म हो जाएंगे, ऐसे ही होने हैं भाई। जब इन्वेस्टमेंट से सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो भाई स्टार्टअप जो है ना इंडिया में बहुत ज्यादा स्टार्ट हो चुके हैं। अब जो नए लोग हैं ना पढ़े लिखे लोग, अब वो नौकरी की बजाय ना ज्यादा इन्वेस्टमेंट में कारोबार करें कुछ ना कुछ। कारोबार जो है ना वो नस्लों को ना परवान चढ़ाता है। अरे भाई सारे जो होती है ना नौकरी वगैरह उससे खानदान एक भी नहीं चलता, सारा कंट्री का नौकरी से जितने पैसे मिलते हैं वो मुश्किल से एक महीना एक खानदान भी नहीं चलता। अच्छा पहले सुनने में आता था जो जापान के अंदर वो बैगर्स नहीं मिलते, अगर पैसे डोनेट करने हैं तो बैगर्स नहीं मिलते, उस तरह के सिचुएशन जिस तरह से डेवलपमेंट कर काम करते हैं हमारे यहाँ। भाई बताओ ना तो भाई एक बंदा कमाने वाला था जो अपने गांव की सिचुएशन चल रही है, एक बंदा कमाने वाला था और बाकी पूरी फैमिली खाने वाले थे, उनको होते नहीं टेंशन, उनको बस माइंड में ये था बस दो टाइम का खाना खाना है, यूती कपड़ा वो मिल जाएगा तो कोई टेंशन नहीं, बस सोया खाया पिया मौज की खेल लिया, ये सोच होती है। जब तक ये सोच से उठेंगे नहीं ना भाई, कुछ कंट्री के लिए करना है ज्यादा पर, अब बाहर जो कंट्री कुछ कंट्री के लिए जो बाहर की कंट्री वो क्या करते हैं, सारे बंदे काम करते हैं और वो खर्चा कर देते हैं, इतना कमाते हैं वो हफ्ते में खर्च मतलब महीने में जो मिलता है वो खर्च कर देते हैं, कमाया खर्च किया तो वो भाई बूस्ट मिलता है इकोनॉमी को इस तरह। अब हमारे यहाँ क्या होता है, अगर किसी के पास 50,000 है तो वो दबा देगा, उसको ऐसा नहीं करेगा इन्वेस्ट कर दूं, इन्वेस्ट करेगा चार पैसे और साथ मिल जाएंगे फ्लो में आ जाएगा पैसा। इसकी सोच ही ऐसी होती है कुछ आने वाले कुछ हालात बिगड़ ना जाए ताकि मैं इसको ना यूटिलाइज या थोड़ा सा रखना चाहिए, कुछ सेव रखनी चाहिए, सेविंग होनी चाहिए, लेकिन ये कि अगर इन्वेस्ट करोगे तो भाई तारक भाई उधर ग्रांड ग्रांड जो होते हैं ना बहरहाल वो सपोर्ट करते हैं, 18 साल का जब उधर लड़की हो या लड़का बालक हो जाता है ना उसको भी गवर्नमेंट देती है जॉब ये लोग करो तुम, या उसके अंदर कंपनियां इतनी होती है भाई वो इन्वेस्ट वो जॉब देती है। तो ठीक है भाई बहुत अच्छा लगा, हमारे यहाँ तो बैंकर भी पैदा कर रहे हैं इंडिया के अंदर माशाल्लाह, क्या इमरान खान ने लंगर खाने खोले, इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, नौकरी जॉब वगैरह दे रहे हैं, इमरान खान ने लंगर खाने वैसे खोले हैं, आवाम का भला कर रहा है, लंगर खाने खोले हैं जाके लोग जो हैं जिनके पास खाना ना मतलब वो काम नहीं हो वो उधर जा खा सके, ताकि वो ना भिखारी पैदा कर रहा है पाकिस्तान में भी। तो ठीक है भाई अपनी राय जरूर बताइएगा, एक भाई जरूर बताना कॉमेंट सेक्शन में, भिखारी पैदा करना अच्छा है या कंट्री में जॉब पैदा करना अच्छा है, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए इजाजत है, अल्लाह।